वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु 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 धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु धन वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु 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 धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु 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 वाहे गुरु
वाहेगुरु धन वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु धन वाहेगुरु। चैनल देख रहे सारिया संगतां नूं वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज असी आए जी गुरद्वारा विभोर साहब पातशाह दसवीं जिथे कि साढ़े दसवें पातशाह साहब जी ने चौपे साहब जी जो पाठ सी उच्चारण किया। इस वक्त मेरे हैं इस गुरद्वारा साहब के मैनेजर साहब तो सज्जे साइड मेरे हैं इस गुरद्वारा साहब जी हैड ग्रंथी। सब तो पहले उन्होंने फतेह बुलाऊंगा जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जी ये जो एरिया है जो पहाड़ी एरिए है बिल्कुल नज़दीक जो सतलुज दरिया भी वग रहा, तो तुम अपने गुरु साहब के इतिहास बारे संगतों को कहना चाहते? वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। सरबत संगतां नूं गुरमुख प्यारे ये सिख चैनल वाले वीरां वल्लों दास वधाई दिंदा है, और जो ये पावन पवित्र स्थान गुरद्वारा श्री भबौर साहिब पातशाह दसवें स्थान ते कलगीधर पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी राजा रतन राय की बेनती नूं प्रवान करके इस अस्थान ते महाराज जी ने चरण पाए, और इस अस्थान दे नज़दीक ही गुरद्वारा घाट साहब है। सब तो पहला कलगीधर पिता जी ने उस अस्थान ते चरण पाए और उत्थे प्रजा नूं दर्शन दीदार बख्श के जिस वेले महाराज जो गुरद्वारा साहब जी दे नाल ये सतलुज दरिया सुशोभित है, इस दरिया नूं पार करन दे वास्ते उस समय बेड़े पैंदे सन, और गरीब नवाज कलगीधर पिता जी ने गुरद्वारा घाट साहब तो इस स्थान ते आउण समय जदों उत्थों दे मलाहां नूं पता लगा भी सतगुरु कलगीधर पिता इस दरिया नूं पार करके दूसरे पासे जाना चाहुंदे हन, सारे मलाह ने आपो अपने बेड़िया नूं बहुत सवारिया कि कलगीधर पिता जी दे जिस बेड़े दे विच वी चरण पैणगे ओ निहालो निहाल हो जाएगा। सतगुरु की कृपा दे नाल भी माया दे पक्षों भी हरेक पक्षों और कुछ लालच भी मन दे विच रखे हुए सन, गरीब नवाज सच्चे पातशाह जो मलाह दे कोल पहुंचे आ करके बचन किया कि बेड़ा भाई किसका है। सारे मलाह ने हंकार विच जवाब दिता, महाराज जी मेरा है मेरा है, मेरी मेरी करदिया जवाब दिता, और एक टुटा जिहा बेड़ा सजदे मलाह दा रुकम दीन दा कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने उस मलाह नूं बचन किया भाई बेड़ा किसता है। तो उस समय सजदे मलाह ने कहा निम्रता दे विच बेनती की कलगीधर पिता जी आप जी का बख्शिश किया हुआ ये आप जी ने बख्शिया है, और कलगीधर पिता जी गुरद्वारा घाट साहब जी तो इस पावन पवित्र स्थान ते बेड़े राही सरबत संगतां दे नाल पहुंचे, और जिस समय महाराज जी ने गुरसिखा नूं हुक्म लाया कि भाई सजदे मलाह दा जो खर्च बनदा उस नूं दिता जावे, सजदे मलाह ने निम्रता दे विच आके बेनती की महाराज ये जे आप जी कृपा करन लगे हो त्रुटे हो ता सतगुरु माया दी जरूरत नहीं, कृपा करके मेरा भव सागर दा गेड़ा कट दियो। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी कहन लगे सजदिया तेरा भव सागर दा कटिया इक्की कुलां दा वरदान। गरीब नवाज कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने इस अस्थान ते सजदे मलाह नूं दिता, और गरीब नवाज सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब इस अस्थान ते 13 महीने 13 दिन 13 घड़िया का लम्मा समा सतगुरु जी ने इस अस्थान ते बतीत किया, और जिस दे अंदर पावन पवित्र गुरबाणी जो आप नितनेम दे विच भी पढ़ते हैं रख्या की बाणी है, और जिस समय अमृत संचार की तैयारी की जाती उस समय भी इस गुरबाणी का जाप किया जाता, और नाल दी नाल श्री रहरा साहब जी दे विच भी जो सोदर की साड़ी संध्या की नितनेम की बाणी है
उस विच भी पावन पवित्र गुरबाणी का जाप किया जाता है। इस पवित्र गुरबाणी का उच्चारण कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने इस अस्थान ते किया। संबत 1756 अर्ध सहस पंतीन कहिजा भादरव सुधी अष्टमी रावारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा। ये सतलुज के किनारे ते बैठ करके गरीब नवाज जी ने इस बाणी नू उच्चारण किया और जो भी गुरमुख प्यारे गुरु की संगत इस अस्थान ते आउंदी है श्री चौबी साहब जी ने वध तो वध जाप करते हैं और इस अस्थान ते एक साल दे विच जिथे होले महल्ले का समागम मनाया जाता है और विसाखी का जो खालसे का सिरजना दिवस है उसनू मनाया जाता है उत्थे ही ये जो गरीब नवाज जी ने श्री चौपी साहब जी की बाणी का उच्चारण किया। चौपाई दिवस भादरव सुदी अठवीं के पवित्र दिहाड़े ते इस अस्थान ते मनाया जाता है और बहुत ही संगतां दा इकट्ठ इस पवित्र अस्थान ते आ करके गुरमुख प्यारे हाजरियां भरते हैं और इस अस्थान ते ऐतवार के पवित्र दिहाड़े ते संगतां दे वल्लों श्री सुखमनी साहब जी दे जाप श्री चौपी साहब जी दे जाप किए जाते हैं और रूटीन दे नाल बेअंत ही संगतां जातरू इस अस्थान ते आ करके नतमस्तक होंदे हैं सतगुरु जी दीयां खुशियां नूं प्राप्त करदे हैं। गुरु के लंगर संगतां वास्ते रहायश दा बहुत ही वधिया सुचज्जा प्रबंध है इस अस्थान ते और गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी दे इस अस्थान ते संगतां दे वल्लों जाप किए जाते हैं और इस अस्थान का सारा प्रबंध सारी सेवा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहब जी वल्लों माणयोग प्रधान साहब सरदार अवतार सिंह जी दे प्रबंध अनुसार चलता है और तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी दे प्रबंध हेठ ये सारा ही अस्थान का सेवा संभाल का प्रबंध चलता है जिथे साढ़े सत्कारयोग मैनेजर साहब सरदार रेशम सिंह जी सिंह साहिब ज्ञानी मल सिंह जी हट ग्रंथी साहिब सरदार सुखविंदर सिंह जी समूह गुरमुख प्यारियां दे वल्लों इस प्रबंध की सेवा संभाल नूं कीता जांदा है और साढ़े इस अस्थान दे प्रबंधक साहबान सरदार सुखमंदर सिंह जी ओ इस अस्थान की सेवा दे विच श्रद्धा भावना दे नाल इस अस्थान की सेवा नूं करदे हन। दास जिथे सिख चैनल का धन्नवाद करदा उत्थे बेनती भी करदा सतगुरु इस चैनल नूं दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की बख्शन और इस चैनल की सदा ही चढ़ती कला होवे और संगतां दे चरणां विच बेनती करदा है कि इस चैनल तो जो श्री चौपी साहब जी दे जाप आरंभ होने हन ये बहुत ही वधिया उपराला किया गया गुरमुख प्यारियां वल्लों जो सतगुरु दे इस पवित्र अस्थान तो ही चौपी साहब जी का जाप आरंभ कर रहे हैं। ये भी बहुत ही वधिया उपराला है और संगतां दे चरणां विच बेनती है कि श्रद्धा भावना नाल आप सरबत संगतां ने इस बाणी नूं सरवण करना है और नाल दी नाल ही इस अस्थान की यात्रा करन दा भी जीवन दे अंदर सतगुरु आप जी नूं सुभाग बख्शन और श्रद्धा भावना दे नाल असी इस अस्थान ते आ करके नतमस्तक होइए सतगुरु जी दीयां खुशियां प्राप्त करिए। मैं इन्हां वीरां दा तह दिलों धन्नवाद दी जिथे अपने वल्लों धन्नवाद करदा उत्थे समूह श्रोमणी कमेटी के प्रबंधकों वल्लों भी इन्हां वीरां दा बहुत बहुत धन्नवाद है। सरबत संगतां दे चरणां विच बेनती है कि गुर इतिहास नूं सरवण कराउंदे आ बेअंत प्रकार दीयां भुल्लां हो जांदियां ने। गुरु की संगत सतगुरु जी बख्शनहार बख्श लैणा जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਵਧੀਆ ਵਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਪਾਠ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ
जाता उस वक्त भी जी बाणी जी 24 साहब की पढ़ी जाती है। तो जो भी मेरे एन आर आई जे विदेशों चो अपने पंजाब आते हैं तो इस धरती के इस गुरद्वारा साहब के दर्शन करके जरूर जान। जदों अंबरसर तो संगत जो आऊगी तो वह आदमपुर हुशियारपुर करतारपुर भी दी उन्होंने वधिया रस्ता मिलेगा। तो जी संगत इस साइड तो आऊगी वह जिदा रोपड़ाल दी तो यह मैं थोड़ा जिहड़ा वा रस्ता है बाबा जी ने पुछूंगा इन्हों क्योंकि इन्हों ज्यादा जानकारी रस्ते के बारे। बाबा जो अपने विदेशों तो संगत आ जे अंबरसर तो एरिए लोगों ने आना वह कि रस्ते आने जितने जे लुधियाने वाली आना कि रस्ते दी जी श्री अमृतसर साहब की संगत है वह श्री अमृतसर साहब जी तो वाया जलंधर और जलंधर तो वाया हुशियारपुर हुशियारपुर तो वाया ऊना ऊने तो नंगल और नंगल दे विच ही पावन पवित्र स्थान सुभायमान नंगल शहर दे विच सिटी दे विच और इन्हां संगतां अमृतसर साहब तो जिहड़ा संगतां ने आउणा उन्हां नूं सब तो वधिया रस्ता साफ सुथरा रस्ता और जो लुधियाने की संगत है उन्हां नूं रोपड़ तो श्री आनंदपुर साहिब कीरतपुर साहिब और की श्री आनंदपुर साहिब तो नंगल नंगल दे विच इस स्थान दे आ करके दर्शन दीदार कर सकते हैं और यही रस्ते हैं इस स्थान पर पुजन के वास्ते। और बेनती है कि सरबत संगत श्रद्धा भावना के नाल आ करके इस स्थान की यात्रा करनी करिया करिए और कलगीधर पिता जी दियाँ खुशियां प्राप्त करिया करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ढा बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अपने जो मैनेजर साहब इस गुरद्वारा साहब जी बड़ी वधिया ढंग जी का सेवा करा रहे गुरद्वारा साहब की इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।